हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुमेन्स आईपीएल की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात। दोस्तों, वुमेन्स प्रीमियर लीग, ठीक है ना, जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में मैं बोल सकता हूँ ऑर्गेनाइज हो रहा है एज ए टूर्नामेंट। वुमेन्स आईपीएल के मैचेस होते थे, थोड़े बहुत मैचेस होते थे, लगभग एक टीम के दो तीन मैचेस होते थे, मतलब एक एज अ एंटरटेनमेंट पर्पज से ही टीम बनाई गई थी। बट इस बार 2023 में ये एक एज अ टूर्नामेंट रखा गया है जो कि लगभग एक महीने चलेगा। सो दोस्तों, हम चाहेंगे कि हम अच्छे से अच्छा इन्वेस्टमेंट करें वुमेन्स आईपीएल के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे इंडिया में खेले जाने वाला है। सो इंडिया में जितने भी टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं हमारे लिए वो जैकपॉट रहते हैं और हम अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, ऊपर से वुमेन्स का है। सो वुमेन्स का स्कोर, वुमेन्स की अगर हम बात करें कि प्लेयर्स का रेट क्या रहता है, वुमेन्स की जो एबिलिटीज़ हमें पता होती है या वुमेन्स के जो ग्राउंड्स होते हैं, वुमेन्स की जो पिचेस होती है, वो फाइंड करना, वो एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। सो सीधी सी बात है, बहुत अच्छा हम प्रॉफिट इस टूर्नामेंट में कमाने वाले हैं। सो सबसे बड़ा सवाल रहता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हमें इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से करना है, कितने पिक्स से खेलना है। सो मेन टॉपिक्स हमारे रहेंगे कि हमारा जो एक वीडियो था कि 300 रुपये हमें पर मैच इन्वेस्टमेंट करना, और जिससे कि हम महीने का लगभग 20,000 अर्न कर लेंगे। सो उसमें मैं किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करूंगा, अगर हमारा लॉस होता तो हमें क्या करना है। तो बहुत सारे हमारे यूजर्स हैं जिनको बेसब्री से इंतजार था, सब कुछ एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों, आगे आने वाला है मेंस आईपीएल, वुमेन्स आईपीएल जैसे ही स्टार्ट होगा उसके बाद मेंस आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा। सो उसको भी प्रत्येक एक मैच का प्रेडिक्शन वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करने वाले हैं, तो इसको आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये अपना सेकेंड चैनल हम बोल सकते हैं एक्सचेंज 22, प्रडिक्शन 2 नाम से हमने इसको क्रिएट किया है। सो मैं चाहूंगा कि आप अपना अच्छा रिस्पांस दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मैचेस ऐसे होते हैं फिलहाल के टाइम में। जैसे कि दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी फैंटेसी में फुल टाइम आ चुका हूँ। फुल टाइम, फुल टाइम का मतलब ये नहीं होता कि हम जो देखो बीपीएसएल का टूर्नामेंट चला तो ठीक है, हम पूरे दिन में एक मैच कवर करेंगे। फुल टाइम का मतलब ये होगा, अगर दिन में 6 मैच है तो मैं आपको कम से कम 4 मैचेस के प्रोडिक्शन वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तो 4 मैच कवर करेंगे। अब लाइक जो हमारा मेन बड़े वाला चैनल है जिसपे कि 10K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो उस पे हम क्या करेंगे, जितने भी इंटरनेशनल मैचेस है वो उसके प्रेडिक्शन वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, या स्ट्रेटेजीज वीडियो हो गए वो प्रोवाइड करेंगे, जो अभी हमारे ये सेकंड चैनल है। तो मैं चाहता हूँ इस पे आप अपना बखूबी स्पॉट दिखाएं। इस पे हम क्या करेंगे, जितने भी डोमेस्टिक मैचेस होते हैं, लाइक जैसे पीएसएल हो गया, वुमेन्स प्रीमियर लीग का हो गया, या जो भी अबू धाबी T10 लीग चलने वाली होती है, जो भी जितने भी मैचेस होते हैं लोकल मैचेस, यूएई का मैच हो गया, नामीबिया का मैच हो गया, तो उसके प्रेडिक्शन वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। सो इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बाकी आपका सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा शानदार रही रहा है। तो वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब देखो दोस्तों, वुमेन्स प्रीमियर लीग जो है वो स्टार्ट हो रहा है कल से, ठीक है ना। फर्स्ट मैच का प्रेडिक्शन वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। सो अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो हमारा 10K सब्सक्राइबर जिसके नियर है उस पर हम आपको फुल प्रेडिक्शन वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और जो सेकंड जो 20 पे जिसपे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इस पर आपको जो प्रीमियम मल्टीवेगर या मल्टीवेगर से रिलेटेड अलग से टिप्स दी जाएगी। तो इस YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना ही रखना है। सेम टू सेम हम जो आईपीएल में भी ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। डोमेस्टिक मैचेस वाला मैंने आपको बता दिया, इंटरनेशनल मैचेस वाला भी मैंने बता दिया। तो हम चाहेंगे दोनों चैनल हमारे अच्छे से ग्रोथ होते रहे, चलते रहे, और आपका भी प्यार बना रहेगा और मैं भी मोटिवेट होकर अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट मैच में 300 रुपीज़, कॉन्सेप्ट सेम है, बट क्या कुछ चेंजेस है, क्या कुछ पिक्स हमें खेलना, जैसे कि लाइक इसमें हम बोल रहे थे सभी प्लेयर के एक एक शेयर लेने होते, तो क्या कुछ चेंजेस किया इस स्ट्रेटेजी में जो कि हम वुमेन्स आईपीएल के फर्स्ट मैच से स्टार्ट करने वाले हैं। सो एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ऊपर से हेल्प भी हमें हो रही है कि मैच ऐड हो चुका है, तो मैं आपको और बेहतरीन तरीके से समझा पाऊंगा। तो सबसे पहले हमने डेली कंपाउंडिंग लेके हम चले हैं, 300 रुपीज़ मैंने ऐड किए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको मैं बताऊँ तो इंटरेस्ट रेट सिर्फ 10%, हमें सिर्फ 300 के बदले 10% बनाना है, तो वो आपको समझाता हूँ। तो कहने का मतलब, अब मैं आपको यहाँ पे आके समझाता हूँ डैशबोर्ड पे। जैसे हमने फर्स्ट डे 300 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमें 300 रुपीज़ से सिर्फ 30 रुपये बनाने हैं, जस्ट 30 रुपये बनाने हैं। फिर उन 330 से हमें नेक्स्ट डे जो प्रॉफिट निकालना है ना, वो 63 रुपीज़ का निकालना है, मतलब हमारे पास टोटल हो जाएंगे 399 रुपये जब हम ये निकालेंगे। फिर 363 का इन्वेस्टमेंट करके हमें 93 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना। 363 का इन्वेस्टमेंट करके हमें 93 का प्रॉफिट कमाना है। ऐसे करते करते 30वें दिन तक हमारे पास जो है वो लगभग उन 300 रुपये से अगर यहाँ पर हम देखें तो 5,234 रुपये हो जाएंगे। ज़्यादा बड़ा मैंने समझाया नहीं है, बट जो बड़े यूजर्स हैं उनको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी है। अब हमें क्या चेंजेस किए हमने इस स्ट्रेटेजीज में, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि फर्स्ट डे 300 रुपीज़ का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें फर्स्ट डे टॉप 3 पिक ट्राई करनी है। टॉप 3 मतलब कोई दो आप बाय कर सकते हो,
और कोई एक सेल कर सकते हो, या ऐसा कर सकते हो कि कोई दो सेल कर सकते हो, कोई एक बाय कर सकते हो। इस प्रकार से आप चल सकते हो फर्स्ट डे। मतलब कहने का, दो बायर पे आपको 100-100 इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है ना, 100-100 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है। एक सेलर पे 100 का इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट पिक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ये कॉन्सेप्ट हम आगे लेके चलेंगे, स्पेशली मैं वीडियोज़ में बता दूंगा कि जो यूज़र हमारी जो वुमेन प्रीमियर लीग की इन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं वो क्या करें। 300 रुपये इन्वेस्टमेंट करने, तो मैं आपको 2 से 3 पिक डेली की, जो अपन पिक जो मैं ट्राई करने को बोलूंगा। अब देखो, अगर फर्स्ट डे हमने 300 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, हमें बनाना कितना है, 30 रुपये बनाना है। जैसे कल का मैच हमारा देखो, कल का जो मैंने अच्छे से अच्छा एनालिसिस किया था, तो वो हमारा कितना अच्छा प्रॉफिटेबल मैच रहा था। लगभग जिस प्लेयर को हमने जो चाहा वो हुआ, जिसको सेल किया वो सेल में गया, बाय किया वो बाय में गया। मतलब कल हमने 11 पिक्स ट्राई किए थे, जिसमें से 8 में हमें प्रॉफिट हुआ था। तो कहने का मतलब, अगर हम फर्स्ट डे 300 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर 300 से हम 400 रुपये बना लेते हैं, मतलब हमें बनाना कितना है, 300 से 330 बनाना है फर्स्ट डे, मतलब 30 का प्रॉफिट बनाना है। अगर हमारा 100 रुपये का प्रॉफिट आ जाता है ना, तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास लीड बन जाएगी। अगर नेक्स्ट गेम में हमारा लॉस भी होता है ना, तो हमारे को दिक्कत नहीं रहेगी। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमने 300 रुपये से कर लिए 400 रुपये, अब हमें बनाना कितना था एग्जैक्ट, 330 रुपीज़, हमने 70 एक्स्ट्रा बना लिया। अगर नेक्स्ट डे नो लॉस नो प्रॉफिट भी रहता है उन 330 रुपये से, तो हमारे पास ऑलरेडी जो हमको करने थे 330 से करने हैं हमें 363, तो 33 का हमें और प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब हमारे पास एडवांस में 70 है। और अगर कुछ ऐसी कंडीशंस आती है, ये चीज़ आप फॉलो करना, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये नोट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे पास एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे कि हम लगातार अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं, सपोज दैट हमने 300 रुपये से हमने कर लिए 439, 439 कर लिए। अब हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है, 100% इन्वेस्टमेंट करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आप ऐसा भी कर सकते हो, दो टॉपिक है, दो पॉइंट है मेन इंपॉर्टेंट। या तो आप ऐसा कर सकते हो, जिस दिन आपने फर्स्ट डे 300 का इन्वेस्टमेंट किया और हमारे 400 रुपये बन गए, तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब नेक्स्ट डे हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना था, 330 का इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप ऐसा कर सकते हो, 400 का इन्वेस्टमेंट करो, जितना आपको प्रॉफिट होगा उतना इन्वेस्टमेंट करो। अगर उस 400 से अगर आपने 500 कर लिए, मतलब सेकंड दूसरे दिन ही हम अगर 300 रुपये से 500 कर लेते हैं, जस्ट सेकंड डे में 300 से 500 कर लेते हैं, अगर हमें सेकंड डे कितना बनाना है, हमें बनाना सिर्फ 363 है, और हम अगर 500 बना लेते, तो हमारे पास एक लीड आ जाएगी, एक्स्ट्रा लीड आ जाएगी। उस एक्स्ट्रा लीड को आपको करना है क्या, आप देखो सबके वॉलेट में सीधी सी बात है 2-3 हज़ार रुपये तो सबके पास होते ही होते हैं। तो आपको करना है क्या, आप अपना वो जो पैसा है ना, जो फैंटसी के अंदर जीत रहे हो, उसको एक तो आपको नोटबुक पे लिखना है। आपके पास एक नोटबुक ले लेनी है कि भाई आज मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, आज इतना प्रॉफिट हुआ, आज इतना प्रॉफिट हुआ, आज इतना लॉस हो गया, आज इतना लॉस हो गया। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी, क्योंकि देखो वुमेन्स प्रीमियर लीग, जरूरी नहीं है कि हमें बस इसमें ये फॉलो करना है। वुमेन्स प्रीमियर लीग में अगर मैं चाहता हूँ मेरे यूज़र जितना अच्छा सीखेंगे ना, तो वो आईपीएल के अंदर उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा मेंस आईपीएल में। आपको करना है क्या, जो चीज़ मैंने बताई ना उसको नोट करना। आपको अपने वॉलेट में, जैसे आपने प्रॉफिट कमाया 300 इन्वेस्टमेंट किया, 400 बन गए, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया, हमें एग्जैक्टली 30 रुपये कमाने थे, हमने 70 एक्स्ट्रा कमा लिए। तो आपको 70 रुपये जो है ना, वो अपने एक दूसरे पेटीएम में, या तो आप फ़ोनपे से पेटीएम में आप जो है ट्रांसफ़र कर लो अपने किसी दूसरे पेटीएम में, या आपका एक दो बैंक तो एक के पास होते हैं, एक जो मेन बैंक है जिसमें आप सेविंग करते हो, उस बैंक की सेविंग को दूसरे बैंक में डालते रहो। मतलब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको आपको विड्रॉल नहीं करना है, वो आप दूसरे बैंक में, मतलब दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते रहना। जैसे 70 एक्स्ट्रा कमा लिए तो 70 उसमें डाल दो, अगर 100 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए तो 100 उसमें डालते रहो। तो एक प्रकार से क्या होगा, आपके एक्सचेंज के वॉलेट में ये चीज़ बढ़ रही है। एक तो प्लस पॉइंट ये होता रहेगा कि वो आपके एक्सचेंज के अंदर बढ़ती रहेगी, डेली का बढ़ता रहेगा। ऊपर से आपने सेकंड बैकअप ये क्रिएट किया कि आपका जो मेन सेविंग अकाउंट है, उससे आप दूसरे अकाउंट में भी जो पैसा बढ़ रहा है उसको आप डाल रहे हो। अब इससे हेल्प क्या होगी, देखो अब मैं आपको पूरा समझाता हूँ। सपोज दैट कोई दिन लॉस हो जाता है हमारा, बड़ा लॉस हो जाता है, जैसे कि हमने 5 दिन के अंदर कमाए 500 रुपये प्रॉफिट कमाया, और एक दिन ऐसा था कि हमारा अगर लॉस भी होता है, बड़ा लॉस हो जाता है, जैसे कि एक दिन ऐसा आएगा ना कि हमें पहले तो फर्स्ट डे हम 300 से स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट करना, फिर एक दिन ऐसा आएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6ठा दिन ऐसा आएगा कि हमें 531 इन्वेस्टमेंट करना है, तो 531 में से अगर सपोज दैट आधा लॉस हो जाता है हमारा, आधा लॉस हो जाता है कि 531 से हमारे 250 रुपये हो गए, 250 हो गए, तो ये आपको हेल्प क्या करेगा, एक तो आपने एक्स्ट्रा जो दूसरे अकाउंट से मेन दूसरे अकाउंट में सेव कर रहे थे, डबल बैकअप बन रहा है आपके पास। तो आपको करना है क्या, आपको ऐड करना है अमाउंट, वो अमाउंट जो आप सेव कर रहे हो ना वो इसमें ऐड कर दो, जितना लॉस हो रहा है ना वो ऐड कर दो। तो आपके पास क्या है, इस स्ट्रेटेजी में हमने पहले क्या किया था, 300 रुपये से स्टार्ट किया था। अगर 300 से अगर हमारा सपोज इट फर्स्ट डे 150 हो जाएगा, तो फिर हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए 150 ही रहेगा ना। तो हमारे पास अब एक बैकअप ये रहेगा कि हम जो है वो
150 का लॉस है वो 108 दोबारा से कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, फैंटेसी के अंदर एक रूल होता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका फर्स्ट डे लॉस हो जाता है ना, तो सेकंड डे उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ। तो ये स्ट्रेटेजी तो साफ साफ बोल ही रही है कि फर्स्ट डे हमने 300 से स्टार्ट किया, सेकंड डे हमारे पास 330 हो गए, तो 330 का डालो, 330 का 30 इन्वेस्टमेंट करो। मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी पर डे बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम 300 का इन्वेस्टमेंट करते चलेंगे तो महीने का एक दिन ऐसा आएगा कि 5,000 बनेगा। अब यार किसी बंदे को आप बोल दो कि भाई मैं तेरा 300 का 5,000 बना दूंगा, तो आपको ईजिली 300 रुपये दे देगा। और आपको ऊपर से ये भी बोलेगा कि भाई 300 रुपये से जो तू 5,000 बना रहा है ना, उसमें से 1,000 तू अपना रख लेना, मेरे को 4,000 ही दे देना भले। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैंने खुद ये चीज़ ट्राई की है कुछ 4-5 मैचेस में, और ये चीज़ से मेरे को प्रॉफिट हुआ है यार, समझ गए? जो नहीं समझे वो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगेन बता देता हूँ। जैसे कि हमने फर्स्ट डे 300 रुपीज़ से स्टार्ट किया, अब सीधी सी बात है कि जो हमारा प्रडिक्शन का जो लेवल है, आपको पता है यार 10 में से 7 मैच तो हम जीतते ही हैं ना। तो कहने का मतलब कोई 3 मैच ऐसे होंगे जिनमें हमारा अगर थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाता है, तो हमें जो है वो दूसरे अकाउंट से एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है, मतलब डिपॉजिट करना है। जो लॉस होता जाएगा ना, उसको आप डिपॉजिट भी कर लेना जिस दिन। अब आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे फर्स्ट डे हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट डे हमारा 30 का प्रॉफिट, सेकंड डे हमारा 60 का प्रॉफिट, थर्ड डे हमारा 90 का प्रॉफिट, फोर्थ डे हमारा 120 का प्रॉफिट। अब फिफ्थ डे में अगर हमारा थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, जैसे कि हम लॉस लेके चलते हैं 50 रुपये का, अब 50 रुपये का लॉस हुआ है, तो अगर इस 50 को इस 60 से काट दें तो मतलब लॉस तो कवर हो गया, बट 90 और 30 फिर भी हम 120 रुपये का प्रॉफिट में है। तो 120 के प्रॉफिट में है, तो अब हम सोचेंगे कि ठीक है यार 50 हार गए तो कोई बात नहीं, हम 120 के प्रॉफिट में तो है नहीं। आप जो 50 हारे हो ना, वो फिर से ऐड कर दो। मतलब आपको जो आपका अमाउंट है ना, उसको बिल्कुल सही रखना है। जो ये एल्गोरिथम, जो ये स्ट्रेटेजी बोलते हैं, आपको उसके हिसाब से ही रखना है, भले ही आप प्रॉफिट में हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? भले ही आप प्रॉफिट में, मतलब आपने स्टार्टिंग के वुमेन्स के 5 मैच में जिस हिसाब से मैंने प्रेडिक्शन दिया, अगर आप जीत जाते हो और आप 500 का प्रॉफिट कमा लेते हो, 6 मैच में अगर 100 का ही लॉस हो जाता है, तो आप सोचो कि ठीक है 500 तो हमने कमाया हुआ है, 100 का लॉस हुआ है, फिर भी हम 400 के प्रॉफिट में। नहीं, इससे क्या होगा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट करने का जो एल्गोरिदम वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 439 का करना, फिर 483 का करना, 551 का करना है, तो हम जो 100 हारेंगे वो माइनस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो 100 का लॉस होता है ना, भले ही आप प्रॉफिट में हो, बट आपको फिर से 100 डिपॉजिट करना है। कहने का मतलब फर्स्ट डे 300 का इन्वेस्टमेंट, सेकंड डे 330 का इन्वेस्टमेंट, फिर 360 का इन्वेस्टमेंट, जो भी है 363 का जो भी है, बट जिस दिन थोड़ा बहुत लॉस हो जाए ना, वो आपको डिपॉजिट कर लेना ऊपर से, समझ रहे हो ना? जिससे कि स्ट्रेटेजी एज एग्जैक्ट रहेगी। इससे अब हेल्प क्या होगी, एक चीज़ तो ये है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमने 300 से स्टार्ट किया, तो अब अगर हम थोड़ा बहुत लॉस होता है वो अगर हम डिपॉजिट कर लेंगे ऊपर से दोबारा से अकाउंट में, तो हमारा जो है एक जो टेम्प्लॉयमेंट जो बनाया हमने, वो हमारे लिए सेफ रहेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली की लाइफ में हम जो है वो 50-60-100 रुपये का डेली का खर्चा कर देते हैं यार। कोई गोलगप्पे वगैरह खा लेते हैं, कोई कुछ करता है, कोई स्मोक करता है, तो उस खर्चे को हम कम करके अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे या डिपॉजिट करेंगे, तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया था इस स्ट्रेटेजी में। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है ना? बाकी अब हम बात कर लेते हैं पिक्स के बारे में। अब पिक्स का एनालिसिस मैं आपको बात करता हूँ। जो मैच सेफ हो, जो मैच आपको सेफ लगेगा, जैसा कि आपको पता है प्रेडिक्शन देना मेरा काम है, जो मैच सेफ होगा उसमें मैं आपको साफ साफ बोल दूंगा कि भाई आप इसे एक पिक के साथ जा सकते हो, मतलब एक पिक पे ही सारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो 300 का 300 है, या आपको मैं सेफ थोड़ा जाने को बोलूंगा कि दो पिक पे इन्वेस्टमेंट कर दो, 150 में एक पिक पे इन्वेस्ट कर दो, 150 पे एक पिक पे इन्वेस्ट कर दो। जो थोड़ा सा मीडियम मीडियम मैच, जिसको हम बोलते हैं ना कि मीडियम सा है, एवरेज सा मैच है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, लगभग 3 से 4 प्लेयर के साथ जाना है। क्योंकि देखो, अगर आप सिंगल प्लेयर के साथ जाओगे, अगर वो वर्क करगी, तो आपका डबल प्रॉफिट हो जाएगा। सीधे से बात है कि हमको ज़्यादा प्लेयर्स पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, एक प्लेयर से सीधा प्रॉफिट निकाल लेंगे। उस स्ट्रेटेजी में हमें क्या होता था कि हम जब तक हमारे 300 रुपये का कंप्लीट नहीं होता था, लाइक कोई प्लेयर का शेयर 25 रुपये का, कोई का 30 का, कोई का 50 का, तो हम सब पे एक एक शेयर ट्राई करते थे। तो जब तक 300 रुपये नहीं होता था, तब तक हम 5 से 6 प्लेयर मतलब ट्रेड कर चुके होते थे। तो उसमें हमें 5 से 6 प्लेयर पर नज़र रखनी पड़ती थी कि यार ये आउट हो जाए, ये चल जाए, ये आउट हो जाए, चल जाए, उसमें थोड़ी सी भगदड़ मची रहती थी हमारी लाइफ में। बट अब हम इस स्ट्रेटेजी में आपको पर डे बताएंगे। भले ही मेरे को इस स्ट्रेटेजी के लिए जो मैं बोल रहा था, एपिसोड कितने बनाने पड़े या प्रेडिक्शन कितनी भी देनी पड़ी, मैं आपको दूंगा और इसी यूट्यूब चैनल पे दूंगा, ठीक है ना? तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मेरे सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ जाएंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे अगर इस सेकंड चैनल पे अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और मैं मोटिवेट होऊंगा, और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे एनालिसिस करूंगा, अच्छे से अच्छे आपको प्रेडिक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सो सेफ मैच में 1 या 2 पिक के साथ जाना है, एवरेज मैच में 3 से 4 पिक के साथ जाना है, रिस्की मैच हो ना उसमें आपको आप लगभग 5 से 6 पिक के साथ जाना है, जिसमें कि रिस्की प्लेयर में हमें जो थोड़ा सा रिस्क लेके चलेंगे। और इस स्ट्रेटेजी में मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, रिस्क लोगे तो रिवार्ड मिलेगा। रिस्क लोगे ना तो 300 का 5,000 नहीं होगा महीने का, लगभग 300 से आप जो 10K भी रीच कर पाओगे। तो वो कैसे होगा, वो
और भी वीडियो लाऊंगा मैच पे, जैसे कि अभी एक बार वुमेन्स प्रीमियर लीग के 5 से 6 मैच हो जाएं, उसके बाद फिर से इस स्ट्रेटेजी का हम रिजल्ट देखेंगे कि यार अभी तक हमने इस स्ट्रेटेजी में इतना इन्वेस्टमेंट किया था तो क्या रिजल्ट रहा है। सो वो भी वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा, क्योंकि आपको पता है इस बार मैंने आपको बोला था कि मैं मैच रिव्यूज़ वीडियो बनाऊंगा। सो मैंने मैच रिव्यू वीडियो बनाए थे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि यार हमने किसको बाय किया था, किसको सेल किया था। ये प्रडिक्शन से पहले हम प्रिडिक्ट करते थे, बट आफ्टर मैच हम उसका रिव्यू करते थे कि यार हमने ये चीज़ ट्राई की थी और हमारे लिए प्रॉफिटेबल रही थी, और हमने क्या रीज़न था हमारे पास, क्या वो रीज़न घटा या नहीं घटा। इससे हमारा को बेस्ट से बेस्ट मैच का फाइंड करने में ईजी हो जाता है प्रडिक्शन। सो कहने का मतलब, जो ऑलराउंडर वगैरह है उसको हम बाय वगैरह करेंगे, जो कि कम रेट की प्लेयर है, जैसे अर्लिन देओल है गुजरात जेंट वुमेन के, जो सबसे बढ़िया प्लेयर है, जिसके परफॉर्मेंस करने के चांसेस भी क्रिएट हो सकते हैं, 1 से 2 ओवर बॉलिंग भी मिल सकती है, प्लस रेट भी अच्छा है, तो बैटिंग भी अच्छी कर सकती है, विकेट आसानी से नहीं लेती है। तो ऐसे प्लेयर्स पे हम जो रिस्क लेंगे बाय का, जिससे कि हमें अगर ये अच्छे रन कर गए, कैचेस वगैरह पकड़ गए, तो हमें रिवार्ड मिलेगा। क्योंकि वुमेन्स में क्या होता है, प्लेयर्स का ये सीन रहता है कि वो 20-25 बॉल लेती है और 20-25 रन करती है, इन पे कोई दबाव नहीं होता, इनको ऐसा नहीं होता कि यार हमको 20 ओवर में लगभग 200 रन करने, नहीं, ये सोचती है बस 20 ओवर में 120-130 होता है तो चलेगा। तो उसमें क्या होती है, प्लेयर्स इजीली खेलती है। सो उस हिसाब से हम अपना एनालिसिस करेंगे और आपको प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करेंगे। सो दोस्तों, मेरे को बहुत ज़्यादा कम टाइम था, आपको पता है कंडीशंस मैंने बता दी थी कि फैमिली में क्या चल रहा है। सो उसके बाद भी मैंने अपना टाइम निकाला और आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया, क्योंकि देखो दोस्तों, जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है, बट अभी हमें हमारे यूज़र को भी आगे लेके चलना है और ये टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा शानदार बनाना है। सो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट का जो भी क्राइटेरिया था आपको मैंने बता दिया, जो कि हमारे लो इन्वेस्टमेंट करने वाले यूज़र, उनके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाला है। यार एक तो उनका एंटरटेनमेंट पर्पस बना रहेगा कि 300 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, एक पर डे का उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे कि कल को अगर वो हाई इन्वेस्टर भी बन जाएंगे, क्योंकि अगर 300 से एक बार आपने 5,000 बना लिए तो फिर आप किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाओगे, क्योंकि आपके पास एक इन्वेस्टमेंट करने का पैसा आ जाएगा। देखो इन्वेस्टमेंट हर कोई बंदा कर सकता है, अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा पैसा हो। सो मैं चाहता हूँ कि मेरे यूज़र को मैं कम से कम पैसा इन्वेस्टमेंट करवा के हाई से हाई रिटर्न दिलवाऊँ, ताकि वो अगर किसी का 300 से 5,000 भी बन जाते हैं, या कोई स्ट्रेटेजी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसके, अगर जैसे 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, अगर उसका 10,000 बन जाता है एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, तो वो वुमेन्स सॉरी मेन्स आईपीएल के अंदर 10,000 से अगर खेलना स्टार्ट करेगा, तो हो सकता है वो उस 10,000 को 10 गुना और बढ़ा ले, मतलब 10,000 से 1 लाख कर ले। सो ये चीज़ें मैं आपको सिखाता रहूँगा और आपको मोटिवेट भी करता रहूँगा। तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।